ओके नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर जय सिंह पटेल है। मैं प्रीवी लाइफ साइंसेज में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ। एंड आज हम लोग बात करेंगे धान की खेती के ऊपर कि धान की खेती कैसे होती है, उसमें क्या क्या रोग लगते हैं और क्या क्या फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता, क्या क्या खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों का अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे बीच में रोक के पूछ सकते हैं, या तो आप चैट बॉक्स में अपना सवाल टाइप कर सकते हैं। जैसे ही मैं आपका सवाल देखूंगा, मैं आपके सवालों का उत्तर उसी समय दे दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो धान की खेती जानते हैं कि होती है, या तो उसकी नर्सरी हम लोग लगाते हैं। नर्सरी लगाने के बाद उसके नर्सरी लगाने के बाद उसका हम लोग नर्सरी ग्रो कराने के बाद उसको हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। जो सीडलिंग तैयार होती है, जो पौधे तैयार होते हैं, उन पौधों को हम लोग दूसरे खेत में डालते हैं। यूपी में एक और तरह से किया जाता है जिसमें बीज की आवश्यकता बहुत कम होती है, तो उसको हम लोग वहाँ पे यूपी में सांडर लगाना बोलते हैं। तो तीन से चार बार उसका जो पौधे को बार बार खेतों लगाई जाती है, फिर उसको बहुत सघन दूसरे खेत में लगाया जाता है, फिर उसको निकाल के चलती हैं। उससे हमारा जो बीज की आवश्यकता होती है वो बहुत कम होती है पर हेक्टेयर। तो अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो समस्याएं आती हैं धान की खेती में, वो इस तरह से होती है कि तापमान का बढ़ना और जो बारिश हो रही है वो सही से नहीं हो, और ह्यूमिड कंडीशन हो, मतलब मॉइस्ट नमी हो, आर्द्रता हो वातावरण में, जिसकी वजह से ढेर सारे रोग, जो फफूंद की वजह से जो रोग होते हैं वो फैलते हैं, और मिट्टी की अम्लता का एक बहुत बड़ा कारक है, जिसकी वजह से आप जो भी खाद आप डाल रहे हैं, रासायनिक खाद या ऑर्गेनिक खाद, कार्बनिक खाद, मिट्टी की अम्लता उस पर असर करती है। उसके बाद मिट्टी में कितना कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध है उसका भी असर पड़ता है, क्योंकि जितना कार्बन होगा उसी के हिसाब से पौधे की ग्रोथ होगी। तो ये सारे जो कारक हैं वो पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रोग भी लगते हैं पौधों में, खास करके आप देखेंगे तो स्यूडोस्मट का इसमें धान के खेत में बहुत ज्यादा वो आता है। उसके बाद आता है धान में, तो इसके अलावा और भी मैनेजमेंट हम लोग उसका किस तरह से करेंगे वो मैं आगे आप आने वाले स्लाइड्स में आपको आगे वाले प्रस्तुति में बताऊंगा। तो ये सारे परेशानियों में से, प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम जो मिट्टी की अम्लता है उसको सुधारने के लिए, मिट्टी के भूरेपन को सुधारने के लिए हमारे पास एक जो पौधे के ग्रोथ को बढ़ाने वाला उत्पाद है जिसका नाम है प्रीवीड। प्रीवीड में इसमें से समुद्र से निकाले गए ब्राउन एल्गी से, शैवालों से ये बना हुआ है, जिसका हम लोग सूक्ष्म जीवों के थ्रू इसका डाइजेशन शैवालों का करते हैं, और वो डाइजेशन के थ्रू जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद इस उत्पाद में, जिसको ग्रेन्यूल फॉर्म में उपलब्ध है। इसमें जो एंजाइमेटिक जो एक्सट्रैक्ट वो 8% उपलब्ध है, जो कि इसको फैलिया नोडोसम नामक शैवाल से, सर इसमें जो आपकी आवाज फास्फोरस ब्रेक हो है रही है। वो जय 30% सर। है, और ओलिगो हेलो। हेलो जय सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैम, अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है।
आप कंटिन्यू कर सकते हो सर, ओके, आवाज आ रही है आपकी। तो सीवीड का जो खेतों में उपयोग है वो 5 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से किसान भाई अपने खेतों में डाल सकते हैं। इसका जो उपयोग है वो 1 बार या 2 बार, जैसा कि आपके खेतों में खाद डालते हैं उसके साथ आप इसको डाल सकते हैं। तो 2 बार या 1 बार अपने खेतों में इसका उपयोग प्रीवीट का कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको तो तस्वीर में दिखाया गया है कि यूरिया के साथ ये प्रीवीट मिलाया जा रहा है, तो आप जो दूसरे खाद अपने खेतों में यूज करते हैं उसके साथ प्रीवीट को हाँ 5 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप मिला के खाद में अपने खेतों में डाल सकते हैं। तस्वीर में किसान भाई उसको अपने खेत में ब्रॉडकास्टिंग के जरिए यूज कर रहे हैं, और टॉप ड्रेसिंग ही यूरिया में टॉप ही पर इसको मिला के यूरिया में इसको खेतों में डाला जा सकता है। तो कि आप जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं कि जिसमें कोई भी प्रीवीट नहीं डाला गया है और एक जिसमें प्रीवीट डाला गया है तो उसमें बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं। तो आपके धान में जो शाखा ब्रांच होती है, शाखाएं निकलती हैं, उसकी संख्या बढ़ जाएगी अगर आप प्रीवीट अपने खेतों में डालते हैं। जैसा कि दूसरे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसमें शाखाएं ज्यादा निकली हुई है, पौधा मजबूत है और इसमें ज्यादा ग्रीनरी भी है, भी तो और इसमें जो पत्तियों की चौड़ाई है वो भी बढ़ गई। आप आपके पौधे का अच्छा विकास होगा और उसमें अच्छा उत्पाद भी आएगा, और आपका जो लास्ट में जो उत्पादन होता है उत्पादन भी बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा उत्पाद है जो कि जैसा कि मैंने अपने पहले स्लाइड में दिखाया था आप लोगों को कि क्या क्या आपके खेत में धान के खेत में क्या समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं में से एक है जो कि हाई टेम्परेचर और आर्द्रता जो आपके वातावरण में है और मिट्टी की अम्लता। इन सारे समस्याओं को दूर करने के लिए हमारा एक उत्पाद प्रीविका है जो कि सिलिक्सॉल ओसा ऑर्थोसिलिसिक एसिड इसमें पाया जाता है। ये ऑर्थोसिलिसिक एसिड जो कि बायो अवेलेबल सिलिका इसमें उपलब्ध होता है, ये आपके खेत में हर तरह के जो एबायोटिक स्ट्रेस हैं जैसे ज्यादा टेम्परेचर है, जो आपका बारिश का अनइवन होना है, बारिश कम होना है वो, और आपकी मिट्टी की अम्लता, ये सारे जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में यह उत्पाद सहायक होता है। यह इस उत्पाद में बायो अवेलेबल सिलिका उपलब्ध जो पौधे को उपलब्ध होता है जिसमें आर्थोसिलिसिक एसिड 2% होता है, सिलिकॉन 0.6% होता है, इनसॉल्युबल मैटर 0.5% होता है, सोडियम इसमें 0.1%, फ्लोराइड 4% होता है। तो इसका जो आपका पीएच देखेंगे तो 1.7 से 2.2। तो हमारा जो ये उत्पाद है सिलिक्जॉल ओसा, ये इसको आपको खेतों में 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप अपने खेतों में छिड़काव के जरिए डाल सकते हैं। 2 बार आप किसान भाइयों को ये उत्पाद अपने खेत में डाल सकते हैं, जो धान का अलग अलग स्टेज है उसके हिसाब से ही, जो आप बूटिंग रिमाइंड रहा बूटिंग के समय मीन्स आपका जब धान का खेत में धान बीज उसमें बाली निकलने ही वाली है जिसको रेड़ी पे कहते हैं, उस टाइम पे आप इस उत्पाद को सिलिकॉन ओसा को अपने खेतों में 500 ml पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि आपके जो पौधे हैं उनका सेलवाल मजबूत होगा, पौधा आपका खेत में गिरेगा नहीं। कुछ समय क्या होता है कि आपका बहुत तेज हवाएं चलती हैं उनकी वजह से आपका पौधा जमीन में गिर जाता है जिससे उसका बाद में ग्रोथ रुक जाता है, या तो अगर बालियां बन गई हैं तो बालियां में धान जो है वो जर्मिनेट कर जाता है जिससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उससे यह उत्पाद यूज करने से आपका जो पौधा है वो मजबूत रहेगा और उसमें जो रोग लगते हैं वो रोग कम आएंगे, क्योंकि ओसा पत्तियों के ऊपर एक लेयर बनाता है जिससे जो फफूंद वाले रोग हैं वो आपके पौधे के ऊपर बढ़ते नहीं है। उसके बाद उसमें ज्यादा धान का जो बालियों में धान का संख्या है वो बढ़ जाता है, और जो धान में जो
जो चावल का भराव है वो भी बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब आप फाइनल उत्पादन जो आप अपना खेत से हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपका पहिया कम निकलता है, जिसमें जिसको चैफी ग्रेन्स भी बोलते हैं। तो उसमें जिसमें आपका चावल नहीं, धान के बीज के अंदर चावल का भराव नहीं रहता है। तो ये उत्पाद अगर आप अपने खेतों में डालेंगे तो जो आपका चावल का भराव है वो बढ़ जाएगा और आपका उत्पादन भी इसकी वजह से बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप जब धान को अपने खेत से निकाल के जब आप उसको मिलिंग करते हैं तो मिलिंग के टाइम पे जो चावल का टूटना होता है, चावल टूट जाता है तो उसका जो बाजार में सेल करने का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है। तो ये उत्पाद अगर आप यूज करते हैं तो मिलिंग के टाइम पे आपका जो चावल का टूटना है वो भी कम हो जाएगा। तो किसी किसान भाई को कोई सवाल है अभी तक? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग कोई सवाल नहीं, आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर अभी नहीं पूछना चाहते हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में अपना जो सवाल है वो टाइप कर सकते हैं, मैं जब भी आपका सवाल देखूंगा आपके सवालों का तुरंत उत्तर दूंगा। तो इससे जो मेन जो लाभ होता है हमारे उत्पाद से, ये आपका पौधे को गिरने से बचाता है। आपका पौधे में 15% से ज्यादा आपका बालियां निकलेगा, जो पहिया निकलता है जिसमें राइस नहीं भरता है, चावल नहीं भरता है, वो कम रहेंगे। आपका जो उत्पादन का वेट है वो बढ़ जाएगा और जो खराब ग्रेन्स निकलती हैं, खराब जो बीज निकलते हैं आपके खेतों से वो 60% तक कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपके खेतों से जो बालियों की रिकवरी है, जो बालियां निकलती हैं जो कि आपका जो बीज में से जो चावल निकालते समय बीज टूट जाते हैं, चावल टूट जाता है, वो भी कम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक न्यूट्रिएंट पे देखेंगे जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम पौधे में पौधे की कोशिका भित्ति को मजबूत करता है और इसकी कमी होने से क्या होगा कि आपका पौधा कमजोर हो जाएगा। पौधे की जो पत्तियां हैं वो येलो पीली पड़ने लगेंगी, आपका पौधे का जो जड़ का ग्रोथ है वो कम हो जाएगा और पौधे में ढेर सारे रोग भी, फफूंद वाले रोग भी लगना शुरू हो जाएंगे अगर आपके खेत में कैल्शियम की कमी होती है। तो इस कमी को कैसे दूर करें, उसके लिए हमारे पीवी लाइफ साइंस की तरफ से हमारे पास कैल्सी बी का उत्पाद है जिसमें कैल्शियम का 6% उपलब्ध है, इसमें मैग्नीशियम 2.5% उपलब्ध है, बोरान 3.0% उपलब्ध है, आयरन 2.0% उपलब्ध है, कॉपर 0.5% उपलब्ध है और इसमें जिंक भी उपलब्ध है 5%। तो ये आपके खेतों में ये सारे जो इन सारे जो न्यूट्रिएंट की कमी होती है उसको आपके खेतों में दूर करेगा। यह एक पाउडर फार्म का हमारा उत्पाद है जिसको आप खेतों में 250 से 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो जैसे आप लोग धान की खेती में देखते हैं कि जब आप नर्सरी लगाते हैं तो उसमें बीच बीच में येलो पैचेस पड़ते हैं, मतलब पीले कलर का छोटा छोटा जगह जगह पे आपको चित्ते चित्ते पीले पीले कलर के दिखाई देते हैं आपके पौधे, तो वो जिंक की कमी से होता है। तो आपके खेतों में अगर जिंक की कमी हो रही है तो इस उत्पाद में हम लोगों ने जिंक भी उपलब्ध कराया है जो कि 5% है। जो अगर यह उत्पाद अपने खेतों में यूज करते हैं तो आपका जो पौधों में नर्सरी में जो पीलापन आ रहा है वह दूर हो जाएगा। इसके बाद कैल्शियम को उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास एक प्रीवीट का रेंज है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कैल्शियम होता है। इसमें मेनली जो है वो फास्फोरस उपलब्ध है और कैल्शियम उपलब्ध है। तो फास्फोरस इसमें 22% उपलब्ध होता है और कैल्शियम इसमें 3% उपलब्ध होता है। तो यह उत्पाद एक
तरल उत्पाद है। तो अगर आप दूसरे उत्पादों से हमारे इस उत्पाद की तुलना करेंगे तो हमने इसमें चार और एलिमेंट डाले हुए हैं जो कि हैं ट्रेस एलिमेंट, इसमें एमिनो एसिड हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, विटामिन ऐड किया हुआ है, और इसमें सिलिकॉन भी उपलब्ध है। तो आप लोगों को यह एक्स्ट्रा फायदा जो कि किसी और उत्पाद में आपको नहीं मिलेगा वो हमारे उत्पाद में उपलब्ध है। इस उत्पाद को अगर आप खेतों में यूज करना चाहते हैं तो आप छिड़काव के जरिए पत्तियों के ऊपर 500 से 750 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं, जो आपके खेतों में कैल्शियम की कमी को और फास्फोरस की कमी को दूर करेगा। इसके बाद हमारा उत्पाद है कैल्शियम के लिए, कैल्शियम 11% का, जिसमें कैल्शियम उपलब्ध है 11%, बोरान है 0.2%, बायो इसमें अमीनो एसिड्स हैं 5%, और यह उत्पाद भी आपके खेतों में कैल्शियम की कमी को दूर कर सकता है, और इसको आप खेतों में 300 से 500 ml पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। यह तरल उत्पाद है जो कि पानी में पूरी तरह से घुलनशील है। खेतों में बहुत सारे रोग भी लगते हैं और कीड़े भी लगते हैं, तो इसमें मेनली जो है एक कीड़ा लगता है जो आपके धान के पत्तियों को पतला कर देता है और उसमें आपकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। उसकी वजह से आप जैसे कि तस्वीर में देख सकते हैं, जिसको लीफ फोल्डर इंसेक्ट इंसिडेंस बोलते हैं। उसके बाद इसमें येलो स्टेम बोरर का भी एक कीड़ा लगता है जो आपके पौधे के जो बूटिंग स्टेज में मतलब रेडी पर यह लगता है और धान को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो इसको डेड हर्ट मतलब इसका डेड हर्ट डिजीज भी बोलते हैं। उसके बाद एक कीड़ा लगता है जो आपका पूरा धान का में जो चावल का भराव होता है उसको पूरी तरह से चूस जाता है, सो व्हाइट ईयर हेड भी बोलते हैं। तो ये सारे समस्याओं को दूर करने के लिए आप बहुत सारे किसान अपने खेतों में पेस्टिसाइड भी डालते हैं। तो हमारे प्रीवी की तरफ से हमारा एक ग्रीन ट्रायंगल वाला पेस्टिसाइड है जो कि आपको और बेनिफिशियल जो कीड़े होते हैं या बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये ग्रीन ट्रायंगल वाला हमारा इंसेक्टिसाइड है जिसमें क्लोरोएथ्रिनिलीप्रोल पाया जाता है, ये 18.5% है। ये आपके इन सारे कीड़ों की जो समस्या है उसको दूर करेगा, और इसका जो उपयोग है वो खेतों में 150 से 200 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप अपने खेतों में इसको डाल सकते हैं। तो ये जो बेनिफिशियल हमारे कीड़े होते हैं जो आपका पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, जो परागण में हेल्प करते हैं, तो ये सारे कीड़े इस इंसेक्टिसाइड से नहीं मरेंगे। जो आपका आपके खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं वो पूरी तरह से इससे खत्म हो जाएंगे। ये 7 मिनट के अंदर आपके खेतों में वो कीड़ों के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, और इसका जो री एंट्री टाइम है वो 12 घंटे का है। तो 12 घंटे के बाद आप ये पौधे तब में रहता है, उस समय तक अगर वो कीड़ा वहां पे जाता है तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। किसी किसान भाई का कोई सवाल है इस इंसेक्टिसाइड को लेके? अगर कोई सवाल नहीं है तो आगे चलते हैं। इसके बाद इसी कीट आउट का हमारे पास जो लिक्विड फार्मुलेशन था, यह हमारा ग्रेनुलर फार्मुलेशन है जो दानेदार होता है। दानेदार होने की वजह से खेतों में आप अपने खेतों में ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव के जरिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आप कोई अगर खाद भी डाल रहे हैं उसके साथ ये पेस्टिसाइड आप अपने खेतों में डाल सकते हैं। इसका जो उपयोग है वो 4 किलो पर प्रति एकड़ के हिसाब से आप खेतों में डाल सकते हैं। इसमें जो हमारा इंसेक्टिसाइड का क्लोरोथ्रिनिलीप्रोल का जो उपलब्धता है वो 0.4% होता है, और ये स्टेम बोरर जो जो स्टेम को घेरने वाले कीड़े हैं उनके अगेंस्ट आप ये इस इंसेक्टिसाइड को अपने खेतों में डाल सकते हैं। तो इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? तो ओवरऑल जो हमारा उत्पाद है उनको यूज करके आपका उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगा, आपके ग्रेन में जो न्यूट्रिशनल जो सारे
चावल का भराव है, जो ग्रेन की फिलिंग है वो बढ़ जाएगी। आपको मिलिंग के टाइम पे जब आप इसका इसमें से चावल निकाल रहे हैं धान के बीज से, तो आपका धान कम टूटेगा। और जो बहुत सारे अबायोटिक स्ट्रेस जैसे कि पानी, ज्यादा तापमान का होना, हैवी मेटल्स जो आपके खेतों में प्रेजेंट है, आपके खेतों की अम्लता, मिट्टी की अम्लता जो बढ़ी हुई है, उसके अलावा जो कुछ बहुत सारे फंगल और जो इंसेक्ट का जो प्रभाव आपके खेतों के ऊपर है, ये सारे उत्पाद आप खेतों में अगर यूज करते हैं तो आपके धान के खेत में नहीं होगा, और आपके उत्पादन क्षमता जो आपके धान की है वो बढ़ जाएगी। तो ये सारे उत्पाद को आप अपने खेतों में डाल करके अपनी समस्याओं को सुधार सकते हैं। किसी किसान भाई का कोई सवाल है? मेरा ये जो प्रेजेंटेशन था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो अभी आप पूछ सकते हैं। ये उत्पादों के अलावा भी अगर आपका कोई सवाल जो आपके धान की खेती से जुड़ता है, उसको आप अपने अपना सवाल यहाँ पे इस फोरम पे रख सकते हैं। किसी किसान भाई का कोई सवाल है? ओके, रवि पवार जी का एक सवाल है हाँ शायद। हाँ हाँ सर, बोलिए पूछिए सर। सर, आपका कोई सवाल है तो आप अपना माइक ऑन करके पूछिए। ओसा का उपयोग कब कर सकते हैं? ओसा का उपयोग सर दो दो टाइम पे आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी प्रस्तुति में आपको दिखाया है कि ओसा का उपयोग धान के खेत में दो दो तरह से किया जा सकता है। एक, जब आपका धान में बाली निकलने ही वाली हो, मतलब धान का खेत जब रेडी पे होता है, जब उसमें से बाली थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है, उस समय आप अपने खेत में 500 ml पर एकड़ के हिसाब से हमारा सिलिकजोल ओसा डाल सकते हैं। इसके अलावा जब बाली निकल जाती है और उसमें चावल चावल का भराव शुरू होता है, उस समय भी आप अपने खेतों में सेम 500 ml पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। साहू जी ने पूछा है सर कि बाली निकलने के बाद कौन सा खाद यूज कर बाली सकते निकलने के बाद देखिए, अगर आपको चावल का भराव बढ़ाना है अपने खेत में, तो चावल के भराव को बढ़ाने के लिए आप हमारा सिलिकजोल ओसा, जो अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेन फिलिंग के टाइम पे जब चावल का भराव शुरू होता है बाली निकलने के बाद, तो ये खाद आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा कैल्सी बी का प्रोडक्ट है, कैल्सी बी भी आप अपने खेत में डाल सकते हैं। कैल्सी भी मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके खेत में कैल्शियम की कमी हो रही है और आपका पौधों का में जो पीलापन आ रहा है, तो उस समय भी आप चावल के बाली निकलने के बाद भी आप 250 से 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमारा कैल्सी भी डाल सकते हैं, और हमारा सिलिकजोल ओसा 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं, जिससे आपका चावल का भराव बढ़ जाएगा। लजीन में काम, लजीन क्या होता है सर, मुझे नहीं पता है। धान, हाँ, लजीन मतलब धान आपका अगर गिर रहा है, तो ये हमारा कैल्शियम कैल्सी बी वाला जो उत्पाद है, ये कोशिका भित्ति को मजबूत करता है। जैसे कि आपका जो धान का पौधा है वो खेतों में बहुत मजबूती से खड़ा रहेगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि शुरू में कि आपके धान में जो घासें हैं वो बढ़ जाएंगे और ब्रांचिंग बढ़ने जाएगा, और आप देख सकते हैं ये तस्वीर में कि आपका धान का पौधा जो है बहुत, इसका नीचे का जो पार्ट है, स्टेम वाला पार्ट है, जो तने वाला पार्ट है, वो बहुत मजबूत है, जिससे आपका और जड़ भी इसकी संख्या बढ़ गई है, जिससे कि यह बहुत मजबूती से खेत में खड़ा रहेगा। तो बाली निकलने के बाद जब थोड़ा बहुत हवा चलता है, तो बहुत सारे समय पे क्या होता है कि आपका धान का पौधा गिर जाता है वो, और उसमें फिर आपका जब बाली पानी में डूब जाएगी, तो आपका धान जो है वो खराब हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको अगर आपको पौधे को खड़ा रखना है, तो आप हमारा सिलिकजोल ओसा यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कैल्सी बी का हमारा प्रोडक्ट है, जो कैल्शियम वाले, कैल्शियम 11% है, इन दोनों उत्पाद को आप अपने खेतों में डाल सकते हैं, जिससे आपका जो पौधा होगा उसकी कोशिका भित्ति मजबूत होगी, पौधा बहुत मजबूती से आपके खेत में खड़ा रहेगा।
का और कोई सवाल है क्या? किसी किसान भाई का कोई और सवाल है तो पूछ सकता है। शायद सभी के सवालों के जवाब उनको मिल गए होंगे। तो आज की जो मीटिंग है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं। सभी का धन्यवाद। सर आपका भी धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से आपने मार्गदर्शन किया। और हमारे किसान भाइयों के लिए हम जल्द ही नए ऐसे ही किसी उपयोगी सत्र को लेकर आएंगे। तब तक हमारे अगर आपको कोई दिक्कत हो या कुछ सवाल पूछने हो तो आप हमारे नजदीकी प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हो और उनसे आप सवाल पूछ सकते हो। धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई।